फ्रांस के आम चुनावों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी पिछड़ गई है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने वोटिंग के नतीजे जारी कर दिए। इन नतीजों के मुताबिक दक्षिण पंथी पार्टी नेशनल रैली को सबसे ज्यादा 35% वोट मिले। दूसरे नंबर पर वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 28% वोट मिले हैं। वहीं मैक्रों की रेनेसा पार्टी को 21% से कुछ कम वोट मिले हैं। रविवार को फ्रांस में 577 असेंबली सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई। अब दूसरे चरण के लिए 7 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में सिर्फ वही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं जिन्हें पहले चरण में 12.5% से ज्यादा वोट मिले हैं। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीट जीतना जरूरी है। फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपियन यूनियन में बड़ी हार के कारण मैक्रों ने समय से पहले संसद भंग कर दी थी। दरअसल मैक्रों सरकार गठबंधन के सहारे चल रही है। उनके गठबंधन के पास सिर्फ 285 सीट थी। CNN के अनुमान के मुताबिक दूसरे चरण की वोटिंग के बाद दक्षिण पंथी पार्टी नेशनल रैली को 280 सीट मिल सकती हैं। वहीं वामपंथी NAFP को 160 तक सीट मिल सकती हैं। मैक्रों की रेनेसा पार्टी को 100 से भी कम सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यदि नेशनल असेंबली चुनावों में मैक्रों की पार्टी हार भी जाती है तब भी मैक्रों राष्ट्रपति बने रहेंगे। चुनावों से पहले ही मैक्रों ने घोषणा कर दी थी कि वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अब यदि दूसरे चरण के बाद नेशनल रैली पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो मैक्रों बेहद कमजोर पड़ जाएंगे और उन्हें कोई भी बिल पास कराने में विपक्ष के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। फ्रांस में राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के चुनाव अलग अलग होते हैं। ऐसे में यदि नेशनल असेंबली में कोई पार्टी हार भी जाती है तब भी राष्ट्रपति चुनाव में उस पार्टी का लीडर जीत सकता है। 2022 में इमैनुअल मैक्रों इसी तरह चुनाव जीते थे। फ्रांस में भी संसद के दो सदन हैं। संसद के उच्च सदन को सीनेट और निचले सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली के मेंबर्स का चुनाव जनता करती है, जबकि सीनेट के सदस्यों का चुनाव नेशनल असेंबली के सदस्य और अधिकारी मिलकर करते हैं। तो इन सब के बीच अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि किस तरह से और क्या स्थितियां जो हैं वो मौजूदा वक्त में बनी हुई हैं। NFP को मिल सकती है 160 सीटें। मैक्रों की रेनेसा पार्टी को 100 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। नेशनल रैली पार्टी को मिल सकती हैं 280 सीटें। देखिए मैक्रों की पार्टी को बहुमत फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। NFP को मिल सकती है 160 सीट। मैक्रों की पार्टी को लेकर जो जानकारी साफ हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 100 सीटें मिलने का अनुमान जो है मैक्रों की रेनेसा पार्टी को 100 सीटें मिलने का अनुमान है। नेशनल रैली पार्टी को एक तरह से कह सकते हैं कि 280 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। संसद के दो सदन है। कैसा है फ्रेंच पार्लियामेंट सिस्टम इसको जरा समझिए। दो सदन होते हैं यहाँ पर, संसद के दो सदन है। कैसे कैसे ये काम करता है वो भी आपको आके हम दिखाएंगे और इसके साथ ही समझाएंगे कि उच्च सदन कहलाता है सीनेट, उच्च सदन को सीनेट कहते हैं, और दूसरा जो निचला सदन है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। देखिए दो सदन है और कैसे अगर हम बात करें फ्रेंच पार्लियामेंट जो है वो कैसा है, दो सदन है यहाँ पर। पहला जो उच्च सदन है उसे सीनेट कहते हैं और जनता असेंबली को लेकर अगर हम बात करें असेंबली कहते हैं नीचे सदन को।